बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल चल गई है, कभी आंदोलन होता था चीनी मिल के लिए, अब वो चीनी मिल इतना गन्ना पेरेगी कि बस्ती का गन्ना कम पड़ जाएगा। अत्याधुनिक चीनी मिल है, 5000 टीसीडी क्षमता की है, एक समय में 50,000 कुंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी उसे अगर अगर पूरी क्षमता से वो चलने लग जाए तो। और इसके साथ ही उसे हम फाइन शुगर के साथ लेके जाएंगे। फाइन शुगर का मतलब सीधे सीधे यहां की बनी हुई चीनी मुंडेरवा और बस्ती के नाम पर दुनिया के अंदर जाएगी, तो दुनिया के मार्केट में धूम मचाएगी। इथेनॉल प्लांट भी बहुत शीघ्र लगेगा, चीनी की आवश्यकता मार्केट में नहीं है, इथेनॉल बनाएंगे, हमारे ट्रैक्टर हमारी गाड़ियां डीजल और पेट्रोल के लिए किसी अरब देश पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हमारी चीनी की मिलें ही हमें डीजल और पेट्रोल का ग्रीन ईंधन का काम भी यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। करके आज सरयू जी को दूसरी तरफ रास्ता देने का काम किया है, भगवान राम की स्मृतियों से जुड़ी हुई है सरयू नदी, और इसलिए हमें नदी के संरक्षण का भी काम करना है, लेकिन जनधन की हानि को भी रोकना है। और इन कार्यक्रमों के साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए आज यहां पे विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, एक ग्रंथ के विमोचन का कार्यक्रम और उनकी मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। उनकी मूर्ति उनके संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए, आज सप्तमी की तिथि है, नवरात्रि का आयोजन, नवरात्रि चल रहे हैं इस समय, बासंती नवरात्रि, आज नवरात्रि का कार्यक्रम सातवां तिथि है, कल अष्टमी और परसों नवमी होगी। नवमी भगवान राम की, यानी अगर शक्ति की उपासना की दृष्टि से आप देखेंगे तो सिद्धिदात्री के रूप में है, और बासंती नवरात्रि की नवमी तिथि को भी अगर आप देखेंगे तो भगवान राम के पावन जन्मदिन की तिथि भी है। मैं बासंती नवरात्रि और